हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज बनाते हैं एक वेरी क्विक रेसिपी, पालक पनीर। तो इसको बिल्कुल क्विक तरीके से कैसे बनाएंगे, तो ये थोड़ा अलग रेसिपी है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। पनीर लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है बारीक कटा हुआ। एक प्याज है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये जो साग आपको दिख रहा है, इसमें मैंने पालक, सरसों, मूली और बथुआ के पत्ते थे, तो उनको मैंने प्रेशर कुक करके बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इस साग के अंदर मैंने कोई भी मसाला, नमक वगैरह नहीं ऐड किया है। तो इस रेसिपी को हम कह सकते हैं पालक साग पनीर। इसमें बहुत सारे जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं और इसे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी साग जो है वो पक चुका है। पनीर को भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ प्याज भुनेंगे हम और विद इन 5 to 10 मिनट्स ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करें। तो पैन में मैंने तेल और थोड़ा सा उसमें बटर डाला है, इसको गर्म कर लें। आप घी या तेल सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालेंगे हम हींग और जीरे का तड़का। तो इसको तड़कने देते हैं हल्का सा, जैसे इसमें फ्रेग्रेंस आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी तेल में से जीरे की। तो जीरा अच्छे से हो चुका है इसमें रेडी। अब इसमें डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज और हल्का पिंक होने तक इनको भुनेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें से फ्लेवर के लिए डालेंगे चिली गार्लिक का पेस्ट। आप होममेड यूज कर सकते हैं या जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं। मसालों में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, और कच्चापन होने तक, ख़त्म होने तक इसे हम पका लेंगे। तो हल्दी से बहुत नाइस गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। अब इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, करीब 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो अभी मसाले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे लगातार चलाते भी रहें ताकि मसाला जले ना, जो कि हमने जो है पाउडर मसाले डाले हैं। तो हल्का सा ये पिंक से ब्राउन होना जैसे ही शुरू हो चुका है, तो अब इसमें हम पनीर डालते हैं। नमक सबसे बाद में डालेंगे, मसाला रेडी है। इसमें डालते हैं पनीर, जैसे इसे मिक्स कर लें। तो पनीर डालने के बाद करीब 1 मिनट तक ही हमें इसे कुक करना है। तो दोस्तों, अगर आप नॉन स्टिक में नहीं कुक कर रहे तो इसे आप लगातार चलाते ही रहे ताकि नीचे ना लगे, जो हल्का हल्का नीचे लगता ही लगता है। तो पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें डालते हैं साग, अच्छा सा मिक्स करें इसे। तो देखिए दोस्तों, जो पनीर था वो साग के साथ अच्छे से घुल चुका है, तो बहुत यमी ये बनता है साग, मिक्स पनीर साग भुर्जी, चाहे आप इसे जो भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत हेल्दी है ये। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, नान के साथ या रोटी के साथ। तो अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। तो स्वाद के अनुसार इसमें डलेगा नमक और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए इसे कुक करना है। तो देखिए दोस्तों, मिक्स साग पनीर भुर्जी जो है रेडी हो चुकी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझे कैसे बनी थी कमेंट करके। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।